बक्सर में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाने का जन समर्थन मिल रहा है, ये बातें मिथिलेश तिवारी ने कहा। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे समाज के हर वर्ग का अटूट विश्वास है मुझे और मैं जीत कर यहाँ से दिल्ली जाऊंगा। और क्या कहते हैं आइए आगे सुनते हैं। लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और यही कारण है कि जब व्यक्ति का जहाज डूबने लगता है तो अनाप शनाप बोलता है और इसीलिए लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं उस भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा जिस भाषा का प्रयोग यहाँ के महागठबंधन प्रत्याशी ने किया है और इसी प्रकार के भाषा के प्रयोग के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। किसी को गाली गलौज कर देना, किसी को कुछ बोल देना, ये उनको मुबारक। मैं तो हाथ जोड़ करके बक्सर की धरती पे खड़ा हूँ और आदरणीय मोदी जी की तरफ से भी मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और अपने तरफ से भी। एकदम नहीं शोभा देती है और खास करके जो जनप्रतिनिधि होता है उसको तो और मर्यादा में रहनी चाहिए। एक आम आदमी बोले तो बात सही है लेकिन जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है और मैं ऐसी भाषा का हमेशा भर्त्सना करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों की जो दिमागी हालत गड़बड़ है वो भगवान उनको आगे ठीक करे। 24 के रण में आदरणीय मोदी जी मैदान में है और उनसे बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है, देश ही नहीं विदेश में भी कोई नहीं। अब मोदी जी बक्सर कैसे नहीं आएंगे? मोदी जी का बक्सर और बनारस ये दोनों उनकी कंस्टिट्यूएंसी है और इसलिए वो आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और सबसे आश्चर्य की बात है कि पूत के पांव पांव पालने में दिखने लगते हैं। आजकल मैं जब दौरा पर निकलता हूँ तो मेरा अंतिम दौरा 8 बजे रात तक अगर प्लान मेरे द्वारा किया रहता है वो 3 बजे भोर तक चलता है और लोग हटते नहीं है, तब मुझे लगता है कि लोगों को मोदी जी से बहुत प्रेम है क्योंकि मोदी जी के हनुमान से मिलने में लोग 3 बजे तक जग रहे हैं। तो आप सोच समझ सकते हैं कि मोदी जी के प्रति कितना प्रेम है। अभी की परिस्थिति बहुत अच्छी है, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अमेठी राहुल आजकल पाकिस्तान से सहयोग ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान राहुल गांधी का प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए ये सब प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो नियम था उसके तहत हुआ है, विशेष मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। इसलिए तो हार की निकाला गया कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पूरे बिहार सहित पूरे देश में मोदी जी का लहर चल रहा, आप जहाँ चले जाए आम आवाम जो है नेता टाइप के लोग में भले प्रतिक्रिया जिस तरह का हो लेकिन आम आवाम जो है वह चाहती है कि फिर एक इस बार मोदी सरकार। काफी वोट से मिथिलेश जी जीते, देख नहीं रहे तमाम जनप्रतिनिधि जो एक एक पंचायत के 10-10 हजार का प्रतिनिधित्व करते हैं, 50-50 हजार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठ के ऐलान कर दिया।